सलाम टू ऑल। अभी मैं आ गया हूँ स्टूडियो में और ये जो मेरे पीछे पेंटिंग्स लगी हुई हैं ये क्यों बनाई गई हैं और किस लिए बनाई गई हैं वो आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। और जो आर्टिस्ट जिसने बनाया है उससे मैं आपको मिलवाता हूँ। शी इज़ वन एंड ओनली सैर शारिज़वी। हाय एवरीवन, हाय ज़ैन, हेलो, हाउ आर यू? ठीक। और स्टूडियो में फाइनली आप आ गए। yep. आपको तो पता है मैं कैसे पेंटिंग बनाती हूँ, क्या करती हूँ, लेकिन व्यूअर्स को आपके बता दूँ कि ऑयल पेंटिंग्स हैं और काफ़ी लोग जो है उनको पता भी है कि मैंने आइडिया कैसे स्टार्ट किया था। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया। और मेरे व्यूवर्स को आप बताएं, पर्सनली पहले मैं एक बात बता दूं कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और मेरे व्यूवर्स को बता दें कि आपने ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट की और कैसे स्टार्ट की, आपके माइंड में क्या था जो आपने ये सोच के स्टार्ट किया सब। आई एम सो ग्लेड कि आप यहाँ पे आए ज़ैन। और बेसिकली मैं अपने व्यूवर्स आपके जो हैं सबको बता दूं कि मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ। काम मैंने स्टार्ट तो 10 साल हो गए स्टार्ट किया है, लेकिन ये मेरी जो सीरीज़ थी स्पेशली लॉकडाउन में मुझे ख्याल आया कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए। और लॉकडाउन में हमारी एग्जीबिशंस नहीं हो रही थी तो मैंने उसको स्टार्ट किया। और हमारे जो हीरोज़ हैं हमारे मुल्क के, बेसिकली उनको मैं लाइव अपने फेसबुक पर और यूट्यूब पर मैं उनको पेंट करती हूँ। चलें आप मुझे ना अपना एक एक मतलब एक एक पेंटिंग दिखाएँ भी समझाएँ भी। ये साईं जीएम सैयद है, इसको तो पूरी दुनिया जानती है। और ये आपने कैसे बनाया और आप मतलब कैसे आपके माइंड में आया कि इसको बनाना चाहिए, समझाएं ज़रा। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे हीरोज़ मैंने बनाए हैं, ये मेरी पर्सनली खुद की बहुत ज़्यादा मैं इनसे इंस्पायर हूँ। इन्होंने एक हमें ख्याल दिया, एक आइडियाज़ जो इनकी आइडियोलॉजी है बेसिकली नज़रिया, वो मुझे बहुत पसंद है। और सिंध के लिए, सिंध के लोगों के लिए इनका बहुत ज़्यादा काम है, प्यार है। और इनकी किताबें आप कभी पढ़ें तो आप खुद बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, इनके आइडियोलॉजी से मैं बहुत मुतासर हूँ। और ये भी कि ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक हमेशा निडर रहे, बहादुर रहे और डटे रहे अपने ख्यालात पे, अपने आइडियाज़ पे, सिंध के लोगों के हकूक़ के लिए लड़ते रहे। सही जी। अच्छा सर, माशाल्लाह बहुत अच्छी पेंटिंग है। अच्छा ये बता दें कि इसमें कितना टाइम लगा और कितना मतलब क्या मीडियम है इसका? अच्छा, मीडियम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मैं ऑयल पेंटिंग में, ये सीरीज़ मेरी ऑयल पेंटिंग में मैं पेंट कर रही हूँ। और ये भी बता दूँ कि टाइम डिपेंड करता है कि पोर्ट्रेट कौन सा है। मैं वैसे लाइव करती हूँ, स्टार्ट पेंटिंग में लाइव करती हूँ, वो 2 घंटे भी लग जाते हैं, कभी 1.5 घंटा, लेकिन उसके बाद भी मुझे उसकी फिनिशिंग जो होती है फाइनली, वो मुझे बारीकी से बैठ के करनी होती है। तो वो 18 घंटे मुझे ये पेंटिंग बनाने में लगे थे, एक ही दिन में मैंने बनाई थी। इनकी डेट ऑफ बर्थ थी तो उसके हवाले से मैंने बनाई थी और उसी दिन मैंने पोस्ट की थी पिक्चर्स, तो लाइव बनाई थी। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो समझते हैं कि 1 घंटे में बन गई, तो 1 घंटे में नहीं बनती, 18 घंटे इसमें लगे थे। लेकिन और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिनमें मुझे बहुत टाइम लगा, जैसे बेनज़ीर भुट्टो की जो पेंटिंग थी उसमें मुझे बनाने में बहुत टाइम लगा क्योंकि वो बड़े स्केल पर पेंटिंग बनाई थी मैंने। समझे भाई लोग, ये कोई ना आसान काम नहीं है, इसके लिए ना कला चाहिए, आर्ट चाहिए, आर्ट। हाँ जी, हाँ जी गाइस, अलन फ़कीर साहब, और मैंने अभी आपकी ज़्यादा मतलब पेंटिंग सब देखी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कलर्स इसमें है, तो क्या वजह है? अच्छा, बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं मैंने डिसेंट बनाने की कोशिश की है, और काफ़ी पेंटिंग्स ऐसी हैं जैसे अलन फ़कीर को बनाते हुए मुझे, मैंने बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज रखा था जब मैं लाइव बना रही थी, लेकिन बनाने के बाद मैंने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। जैसे जिस दिन मैं इसको कंप्लीट कर रही थी उस दिन बारिश हो रही थी। अच्छा। और मौसम का बहुत ज़्यादा असर होता है आर्टिस्ट की थॉट पर, तो मैंने उसको कलर जो थे वो बहुत चेंज कर दिए थे, क्योंकि मेरा ख्याल था कि इनके जो गाने हैं, इनकी जो आवाज़ है, वो इनके जो पीछे जो स्ट्रोक्स हैं, पीछे जो कलर हैं, उनमें वो गाने इनके महसूस होने चाहिए, फील होने चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको बहुत ज़्यादा कलरफुल रखा। हाँ जी, ये सारे लेजेंड्स हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छी पेंटिंग है माशाल्लाह से। अच्छा, आपने कभी ये सोचा कि शेख रशीद साहब की क्यों नहीं बनाई आपकी पेंटिंग? हाँ, शेख रशीद कुछ वैसे तो बहुत हंसी आ रही है। ये बेसिकली जो मेरा जो आइडिया है वो हीरोज़ हैं हमारे, हमारे पाकिस्तान के, सिंध के, वो भी तो हीरो हैं, नामवर शख्सियत, वो पर्सनालिटीज जो रियली हीरो हैं, कोई कमर्शियल, कोई ऐसी जो बातों के अंदर और खबरों के अंदर रहने वाली कोई कंट्रोवर्शियल, हम बोले कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज़ ये नहीं है, ये लेजेंड्स हैं असल में, और वो बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। वो जब बहुत ज़्यादा बड़ा कोई काम करेंगे हमारे मुल्क के लिए तो मैं शायद कभी उनको भी बनाऊं। अच्छा, वैसे भी मैं दूसरे भी बनाती रहती हूं। नदीम नानी वालों का बनाया है? नहीं, मैं उनको नानी वालों, वो कौन है? ओह नो, वो है बस है। अच्छा जी सर, आपने रास्ता मूवी देखी? ओह नो।
अच्छा सर, 2020 की आपकी ये सारी पेंटिंग्स हमने देख ली है, 2021 में आपका अगला प्रोजेक्ट हमें कब देखने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा? अच्छा, ये स्टार्ट तो मैंने वाकई 2020 में किया था, लेकिन अब 2021 स्टार्ट हो चुका है, तो उसमें भी काफ़ी मैंने बनाई है पेंटिंग्स। अब एग्जीबिशन जो मेरी हो रही है वो भी इसी साल में होगी, 2021 में होगी, और इसके अलावा मेरी कुछ और भी एग्जीबिशन हैं जो इंटरनेशनल है, इंग्लैंड में एक है और वो भी जल्दी होगी, वो भी इसी साल में है। इसके अलावा देखते हैं, कुछ टीवी प्रोजेक्ट्स भी हैं मेरे पास, अब देखते हैं, क्योंकि मेरे टाइम में मैनेज नहीं कर पा रही टीवी को और अपने साथ साथ अपने इस पेंटिंग को नहीं दे पा रही, तो दोनों मुझे साथ लेकर चलने पड़ेंगे। तो मैं देखती हूँ, अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह तो आप लोगों के सामने होगा बहुत जल्द। चलो जी, इंशाल्लाह। अच्छा सर, आखिरी सवाल, और हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में लड़का या लड़की, ठीक है, उनका जो प्रोफेशन होता है वो चूज़ करना मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो आप क्या सोचती हैं और आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? अच्छा, ये वाकई में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतनी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अब अवेयरनेस आ रही है ऐसा ऐसा जेन। देखें, आप भी अब कैमरा के साथ बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, टिकटॉक्स बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, तो अब हमें हमारी चॉइस की जो फील्ड्स हैं हमें उनको चूज़ करना पड़ेगा, और उनमें अगर हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं भी जैसे आर्टिस्ट हूँ, 10 ईयर्स से मैं आर्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो ऐसा ऐसा आपको स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड भी बीच में आता है, ज़ाहिर है आप बहुत स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन फिर उसमें अगर आप साबित कदम रहते हैं अपने फील्ड के साथ, अपने काम के साथ, अगर आप सच्चाई के साथ चलते हैं, तो ये होता है कि आप उसमें कामयाबी आखिर आप हासिल कर ही लेते हैं। तो मैं सबको ये कहूँगी, जो भी हमें व्यूवर देख रहे हैं, आपको अगर कामयाबी हासिल करनी है तो आप मेहनत करते रहें और अच्छे से अपनी फील्ड्स में काम करते रहें। अच्छा, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया और बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आखिरी मैसेज आप क्या देंगी इस व्लॉग का? आखिरी मैसेज, ठीक है, आखिरी की मैं परेशान हो गई। तो इस व्लॉग का मतलब आखिरी पार्ट का मतलब जो है मैसेज, ठीक है, वो आप हमारे व्यूअर्स को क्या देंगी? अच्छा, सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि अब टाइम डिफरेंट हो गया है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है, तो अपनी फील्ड में अपने हिसाब से काम करें, अच्छा अच्छा काम करें, और टाइम का ज़्यान नहीं करें, ज़ाया नहीं करें टाइम को, अच्छा काम करें। जैसे आप काम करें, आप टिकटॉक करते हैं, व्लॉग करते हैं, दिल से करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो इस तरह से आपकी जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, आप उसको, लेकिन पढ़ाई को भी साथ साथ आप जारी रखें और अपने काम को भी जारी रखें, तो सब यंगस्टर्स जो हैं अच्छा काम करें और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। थैंक यू। सो गाइज, इफ़ यू आर लाइकिंग वीडियोज़ ऑफ ज़ैन शाह, सो यू कैन सब्सक्राइब हिज चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इसकी वीडियोज़ को पसंद करती हूँ, व्लॉग्स, प्रैंक्स वगैरह, तो आप भी अगर इनकी वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो डू सब्सक्राइब हिज चैनल। अच्छा जी, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़ैन शाह के चैनल की लिंक डाल दूंगा, जाके विज़िट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।